नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भाई के अड्डा 23 पर। टीजीटी बीजीटी न्यूज टुडे, केबीएस कट ऑफ न्यूज टुडे, 69,000 शिक्षक भर्ती न्यूज टुडे, असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूज टुडे, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। शुरू से लेकर अंत तक देखिए मेरे प्यारे, ये कट ऑफ केबीएस की है जो अलग अलग कैटेगरी की है, जैसे पीजीटी हिंदी की, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी और पीजीटी इकोनॉमिक्स और पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोटेक टेक्नोलॉजी और पीजीटी कॉमर्स और पीजीटी मैथ की अलग कैटेगरी वाइज, जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी यहां पर दी गई है आप। और इसके अलावा पीजीटी टीजीटी मैथ, टीजीटी साइंस, टीजीटी अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी गई है। केवी 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में आरक्षण पीड़ितों ने तैयार की अगली रणनीति। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति प्रकरण लखनऊ हाईकोर्ट के सिंगल बेंच से होकर अब लखनऊ डबल बेंच में पहुंच गया है। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी की ओर से लगाई गई इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी, जिसके संबंध में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में शुक्रवार को हुई बैठक में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने अगली रणनीति तैयार की। असिस्टेंट प्रोफेसर के 18 पदों पर चयनितों को 4 हफ्ते में दे नियुक्ति। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को दिया है आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतम शिक्षा सेवा आयोग को 5 विषय में सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर 9 चयनित 18 अभ्यर्थियों को 4 सप्ताह में नियुक्ति देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया से पहले से चयनित अभ्यर्थी अपने पद पर बने रहेंगे और उनके वेतन का भुगतान पहले की तरह होता है। प्यारे भाइयों, टीजीटी और पीजीटी 2021 की वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया भी होगी आचार संहिता के बाद, और टीजीटी और पीजीटी 2022 के एग्जाम डेट की घोषणा भी की जाएगी। ओके साथियों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट न्यूज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।